रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रिलीज होते ही हिट हुआ बॉर्डर का नया गाना मिले के सजनिया से वीडियो नई दिल्ली। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता दिनेश लाल यादव ने रहुआ इन दिनों अपनी आगामी फिल्म बॉर्डर के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं। इस ईद के मौके पर भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर निरहुआ की यह फिल्म धमाल मचाने को तैयार है। बॉर्डर में निरहुआ भारतीय सेना के एक जवान के किरदार में नजर आ रहे हैं और उनकी हीरोइन बनी नजर आएंगी भोजपुरी की सुपरहिट एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे। 1 लाख से ज्यादा बार देखा गया गाना फिल्म में एक्शन और देशभक्ति का जबरदस्त डोज है। निरहुआ की हीरोइन बनी आम्रपाली इस फिल्म में नगमा के किरदार में नजर आएंगी, जो सब कुछ छोड़कर निरहुआ के पास आ जाती है। इसी बीच इस फिल्म का एक और प्यार से भरा गाना मिले के सजनिया से रिलीज हो गया है। बता दें, यह गाना रिलीज होते ही यूट्यूब पर हिट हो गई है। 7 जून को यूट्यूब पर निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड द्वारा अपलोड किए गए इस गाने को अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ट्रेलर को भी मिल चुका है जबरदस्त रिस्पांस। बता दें, इस फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर जबरदस्त रिस्पांस मिला है। एक फौजी के किरदार में निरहुआ काफी जंच रहे हैं, वहीं एक ट्रेस आम्रपाली दुबे इस फिल्म में नगमा के किरदार में नजर आ रही हैं। निरहुआ ने इस फिल्म का पोस्टर अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जारी किया और साथ में लिखा, फौजी हूँ लेकिन किसान का बेटा हूँ। दिनेश लाल यादव की इस फिल्म के लिए भोजपुरिया सलमान खान कहलाने वाले खेसारी लाल यादव ने अपनी आवाज दी है। आप भी सुने ये गाना। बॉर्डर के ट्रेलर में काफी दमदार डायलॉग सुनाई दे रहे हैं। ट्रेलर में निरहुआ कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम तो कब से बैठे हैं ताक में, अगर आदेश मिले तो अब के दिवाली दशहरा पाक में। वहीं एक डायलॉग है, मजहब की वजह से लोग गद्दारी पहले देखते हैं, वफादारी बाद में, शायद मुसलमान होने की सजा मिली है सर। ट्रेलर में फौजी बने निरहुआ काफी धमाकेदार एक्शन और जोश में दिख रहे हैं। निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की बॉर्डर भव्यता और बजट के दृष्टिकोण से भोजपुरी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। लेखक निर्देशक संतोष मिश्रा ने एक एक दृश्य पर काफी मेहनत की है।